एक स्टूडेंट को अपने टीचर पर क्रश होता है। जब वो उससे अपसेस्ड हो जाती है तब सब चीजें बिगड़ने लग जाती है। आज की हमारी मूवी एक थ्रिलर कोरियन मूवी है, जिसका नाम इनोसेंट लव, और ये 2014 की है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। अभी बिना किसी देरी के मूवी एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है जून, इसको हम देख सकते हैं। जून एक स्कूल में जिम टीचर है। यह फर्स्ट सीन में वो स्टूडेंट्स को स्विमिंग करना सिखा रहा है। इसी सीन से हमें यह भी पता चलता है कि उसकी स्कूल की बहुत सारी लड़कियों को उस पर क्रश है। इसमें से एक लड़की का नाम यंग है। यंग जून को बहुत पसंद करती है और उसका अटेंशन पाने के लिए स्विमिंग पूल पर सबसे ऊंची जगह पर चढ़ जाती है। वहां से जंप मारती है। सब उसके लिए वरी करते हैं, अगर वहां से वो जंप मारेगी तो इंजोर हो सकती है, पर वो किसी का भी नहीं सुनती और जंप मार देती है। उसे फिर जून बचाता है। उसे ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें जून की वाइफ दिखाई जाती है। वो प्रेग्नेंट है और नए घर में अभी मूव इन कर चुके हैं। एक दिन जून सबको टॉस बॉल सिखा रहा था। इसी प्ले ग्राउंड पर यंग भी थी। उसने यंग की तरफ बॉल फेंका पर वो उसे अपने आप को टच नहीं होने दे रही थी। ऐसा बहुत बार हुआ तो जून ने बहुत जोर से उसे वो बॉल मारा। इसे वो इंजर्ड हो गए तो उसे फर्स्ट एड कराने के लिए उसे स्कूल में लेकर गया। जून कहता है, इतना फास्ट बॉल आ रहा था तभी तुम उसे कैच करना चाहती थी, क्या तुम डरती नहीं? तुम्हारे फिंगर्स वगैरह फ्रैक्चर हो जाएंगे। यंग बोलती है, मैं किसी भी चीज से नहीं डरती। वो जून से पूछती है, तुम किस चीज से डरते हो, और उसे गले लगा लेती है। वो फिर अब वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जून अपनी वाइफ के साथ फैमिली डिनर पर आया हुआ है। ये उसकी वाइफ की फैमिली के साथ डिनर है। इनकी कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है जून का नया घर भी उसके फादर इन लॉ ने ही उन्हें गिफ्ट किया था। इस डिनर पर हम उसे अनकंफर्टेबल देख सकते हैं। एक दिन जून ग्रोसरी शॉप में था, वह उसे यंग फिर से मिली। यंग को स्ट्रॉबेरी मिल्क चाहिए था तो इसके पैसे उसने जून को ही देने के लिए कहे। वो उसके पास आकर कहती है, तुम पहले रग्बी प्लेयर हुआ करते थे, मुझे भी रग्बी बहुत पसंद है। जून कहता है, अगर तुम्हें खेलना है तो तुम्हें फीमेल टीम में मैं डाल सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि जून रग्बी खेल रहा है। उसे चीयर करने के लिए यंग वहां आई हुई है। उसे फीमेल टीम में नहीं जाना था, उसे सिर्फ जून को खेलते हुए देखना था। जून के फ्रेंड्स जब नोटिस करते हैं तो उसे चिढ़ाते हैं कि वो तो बहुत ब्यूटीफुल है, अगर उसके कोई फ्रेंड हो तो उसके साथ हमें भी सेट कर देना। जून इन पर गुस्सा आता है और कहता है, ऐसी सोच मत रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गेम खेलने के लिए यंग जून के साथ ही आई हुई थी। गेम खत्म होने के बाद वो थोड़ी देर में गाड़ी में ही सो गए। जून अब उसे ड्रॉप करने वाला है। यंग का सीट बेल्ट बांधने के लिए उसका पास गया। यंग जगी हुई थी। उसने कहा, अगर तुम्हें मुझे किस करना है तो तुम कर सकते हो। जून ने इसे इग्नोर कर दिया। जून की गाड़ी पर यंग एक साइन बना कर जाती है, कहती है कि अब गाड़ी को वॉश मत करना। अगले दिन स्कूल में पानी के साथ सब लड़कियां खेल रही थी। इसमें यंग भी थी और इसे जून देख रहा था। थोड़ी देर बाद जब सब लड़कियां चली गई तो इस टैप के पास जून आया। यंग की हेयर क्लिप वहां उसे मिली। ये क्लिप उसने अपने कपड़ों में ही रख दी थी, उसे वॉशिंग के लिए दे दी है। उसे बाद में याद आया कि उसकी वाइफ ने कपड़े वॉश कर डाले होंगे। वो स्पिन को ढूंढ रहा था पर उसकी वाइफ ने ऑलरेडी से ढूंढ लिया था। उसके हेयर्स में एक क्लिप थी। वाइफ को लगा कि ये पिन जून ने उसी को गिफ्ट देने के लिए लाई हुई थी। ये क्लिप देखकर वो बहुत ही खुश होती है। रात में हम देखते हैं जून और उसकी वाइफ जब इंटीमेट होते हैं, तभी भी जून यंग के बारे में ही सोच रहा था। एक दिन जून को स्कूल में लेट हो गया और बाहर पारी स्टार्ट हो गई थी। वो जरा बाहर निकला तो वहां यंग भी थी। उससे कहती है, एक बार बारिश खत्म हो जाए उसके बाद मैं चली जाऊंगी। जून और यंग फिर बारिश खत्म होने का वेट करते हैं। जून नोटिस करता है कि यंग यहाँ भी स्ट्रॉबेरी मिल्क ही पी रही है। वो उससे पूछता है कि तुम हमेशा स्ट्रॉबेरी मिल्क ही क्यों पीती रहती हो। यंग कहती है, जब मुझे एक फ्लेवर पसंद आता है तो उसे मैं हमेशा कंटिन्यू करती हूँ। इस सीन से हम देख सकते हैं यंग को एक चीज पसंद आ गई तो उससे वो ऑब्सेस्ड हो जाती है। यंग को ठंड लग रही थी तो जून अपना जैकेट उसे ऑफर करता है। अंदर जाकर यंग ये जैकेट पहनने का ट्राई करती है पर इसकी चेन उसे ट्रबल देती है। जून से पूछती है, प्लीज अंदर आकर मुझे हेल्प करो। जून को पहले सही नहीं लगता पर वो अंदर फिर चला जाता है। जैकेट की चेन लगाते वक्त यंग की बॉडी को नोटिस करता है। वो उसे अब किस करने वाला था पर उसे गलत लगा तो आगे चला गया। अचानक से जोर की बिजली कड़की, यंग डर गए और उसने जून को गले लगा लिया। इसके बाद वो किस करने लग गए।
अचानक से गार्ड की आवाज उन्हें आई। वो सब क्लासरूम चेक कर रहा था। ये दोनों वही छुप गए। यंग कुछ आवाज ना करे इसलिए जून ने उसका मुंह बंद कर दिया। यंग का दम घुट रहा था। गार्ड चले जाने के बाद जून ने जब यंग को देखा तो बेहोश थे। जून बहुत ही डर गया। उसने यंग को उठाने की कोशिश की पर वो उठ नहीं रही थी। बहुत देर हो चुकी थी और जनरली जून घर पहुंच जाता था तो उसकी वाइफ उसे देखने के लिए स्कूल में पहुंच गई। गार्ड के साथ वो उसे ढूंढ रही थी तो जून भी बाहर निकल आया। वो कुछ कर नहीं पाया और यंग को वैसे ही छोड़कर घर चला गया। रात में एक्सक्यूज लेकर वो यंग को फिर से ढूंढने के लिए पहुंचता है। यहाँ पर यंग उसे नहीं दिखती। वह उसका फोन पड़ा हुआ है जो वो रख लेता है। अगले दिन सब स्टूडेंट से पूछता है कि यंग कहाँ है पर किसी को भी पता नहीं होता। पूरी स्कूल ढूंढता है तो एक जगह पर यंग उसे मिल ही जाती है। वो बहुत ही वरीड था कि यंग के साथ क्या हुआ। यंग उसे पूछती है कि तुम कहाँ चले गए थे। जून कहता है तुम्हें देखने के लिए मैं वापस आया था पर तुम वहां से चली गई थी। उससे रिक्वेस्ट करता है हमारे बीच जो भी हुआ प्लीज हमारे बीच ही उसे रहने दो, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। यंग भी इसके लिए मान जाती है। जो भी सब जून और यंग के बीच में हुआ था तो ये सब यंग स्कूल के ब्लॉग में लिख डालती है। स्कूल की सब लड़कियां देखकर हंस रही थी और टीचर को भी पता चल गया। प्रिंसिपल ने यंग को मिलने के लिए बुलाया। उसे पूछा कि तुमने ये सब क्यों लिखा, क्या तुम्हारे साथ सचमुच में ऐसा कुछ हुआ था। यंग जून को ट्रबल में नहीं लाना चाहती इसलिए कहती है कि यह सब इमेजिनरी था। बहुत सारे टीचर्स ने जून और यंग को एक साथ देखा है। प्रिंसिपल को शक जाता है कि शायद ये सब सही हो सकता है। वो जून को बुलाता है और वार्निंग देता है कि अब तुम्हें बहुत ही सीधे सीधे रहना है, तुम्हारी और किसी स्टूडेंट की कोई भी रूमर फैलनी नहीं चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो वो ट्रबल में आ सकता है। इस इंसिडेंट के बाद जून यंग को इग्नोर करना स्टार्ट करता है। उसके सब मैसेजेस वो इग्नोर करता है। एक बार वो अपने फ्रेंड्स के साथ बार में आया हुआ था। वो अपने फ्रेंड को कहता है कि मुझे मेरी जॉब पसंद नहीं आती। जैसे हमें जून का बैकग्राउंड पता है कि वो एक रग्बी प्लेयर था, उसे उसमें ही करियर करना था। उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि तुम्हारी वाइफ अब प्रेग्नेंट है, तुम्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी, तुम अपना जॉब नहीं छोड़ सकते। फ्रेंड की बातों से हमें यह भी पता चलता है कि जून की वाइफ प्रेग्नेंट हो गई थी इसीलिए उन्होंने शादी की है। जून के बारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बन जाती है। वो रग्बी प्लेयर बनना चाहता था, उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई तो उससे उससे शादी करनी पड़ी, एक स्टेबल जॉब लेना पड़ा, वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है। रात में यंग जून के घर पर भी कॉल करती है। उसे कहती है कि मैं तुम्हें मिस करती हूँ। जून इसके लिए भी कोई आंसर नहीं देता। स्कूल में उसके लिए वो गिफ्ट भेजती है पर जून इसे डस्टबिन में डाल देता है। एक दिन जून स्कूल से घर आया, वाइफ उसके लिए अच्छा सा डिनर बना रही थी। वाइफ ने कहा कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। उनके बच्चे के लिए वाइफ ने पूरी रूम पेंट वगैरह करवा ली है। उन्हें मनी प्रॉब्लम थी पर यह सब यंग ने स्पॉन्सर किया है। यंग अभी भी जून के घर में ही है। वाइफ कहती है तुम्हारे स्टूडेंट्स कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा है गिफ्ट है। वाइफ ने यंग को डिनर के लिए इनवाइट कर लिया है। वाइफ जून से कहती है कि यंग के पेरेंट्स आज घर पर नहीं है तो हमारे साथ ही वो आज रात रहेगी। जून इसके लिए कुछ कह भी नहीं पाता। डिनर टेबल के नीचे से यंग जून के साथ फ्लर्ट करती है। रात में जून और उसकी वाइफ बात करते हैं। जून की वाइफ यंग को पढ़ाने वाली है। यंग बहुत ही रिच है तो उन्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। जून इसके लिए मना करता है तो कहता है यंग मुझे लाइक करती है इसलिए वो यहाँ आना चाहती है। वाइफ इसे सीरियसली नहीं लेती है। कहती है इस यंग में टीचर पर क्रश होना ये बहुत ही नॉर्मल है। आधी रात में यंग जून के कमरे में आ गए, उसे बाहर लेकर गए, उसके साथ वो इंटीमेट होना चाहती थी। जून इसके लिए मना करता है पर वो मानती नहीं। जून कुछ भी ट्राई करे पर यंग उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। एक दिन वो स्कूल की लड़कियों को CPR सिखा रहा था। यंग को लग रहा था कि वो उसे ही डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बुलाएगा पर जून जानबूझकर किसी दूसरी लड़की को पिक करता है। किसी दूसरी लड़की ने ऑलमोस्ट जून को किस किया, इससे यंग बहुत ही गुस्सा होती है। ये जो लड़की थी इसे शावर में कोई चाकू मारकर चला जाता है। स्कूल फिर इस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। जून और उसकी फ्रेंड जिसका नाम है यून, ये दोनों फिर बात करते हैं। जून को लगता है कि ये यंग ने किया था। फ्रेंड फिर समझ जाती है कि जून और यंग में कुछ ना कुछ तो है। जून बहुत सैड था तो अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक करने के लिए वो बाहर चला गया। रात में वो चल भी नहीं सकता था तो यून उसके घर उसे छोड़ने के लिए आई। ये सब देखकर जून की फ्रेंड पर वाइफ गुस्सा हो गए। एक्चुअल में जून और उसकी फ्रेंड पहले रिलेशनशिप में थे। रात में जून को छोड़ने घर पर आए ये उसे अच्छा नहीं लगता। कहती है कि लोग बातें बनाते हैं, तुम्हारे रेपुटेशन का तुम ख्याल रखा करो, जून को तुम्हें इतना नहीं पीने देना चाहिए था। इसके बाद फ्रेंड यहाँ से चली जाती है। जैसे हमें पता है कि जून की वाइफ अब यंग को पढ़ा रही है। यंग जून के वाइफ से कहती है
तुम्हारी रिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसे वो देखना चाहती है। वाइफ पहले मना करती है पर उसे देखने के लिए दे देती है। यंग उससे पूछती है कि तुम जून से कितना प्यार करती हो, क्या तुम उसके लिए अपना खुद का पैर तोड़कर दे सकती हो। यहाँ पर यंग के हाथ में एक कटर है, कहती है क्या अपनी उंगली तुम तोड़ सकती हो। इस सब कन्वर्सेशन से वाइफ अनकंफर्टेबल होती है, एक लास्ट वो यही खत्म कर डालती है। यंग उससे कहती है मैं थोड़ी देर यही वेट करती हूँ, जून जब घर पर आएगा तो उसे मिलकर वो जाना चाहती है। ये सब देखकर अब वाइफ को लगता है कि ये जरा सीरियस मैटर है। एक दिन जून स्कूल में यंग से बात करता है, वो कहता है मेरी वाइफ पर मैं चीट नहीं कर सकता, अब ये सब वो बंद करना चाहता है। यंग कहती है कि तुम डरो मत, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। जून फिर भी मान नहीं रहा। यंग उसे फिर ब्लैकमेल करती है, कहती है अगर तुम मुझसे नहीं मिलना चाहते तो उसे पता चले या ना चले इसे क्या फर्क पड़ेगा। यानी कि इनडायरेक्टली उसे कहती है कि वो उसकी वाइफ को बता देगी। जून स्ट्रांगली चाहता है कि ये सब बंद हो जाए, वो स्कूल छोड़कर फ्रीलांसिंग कोच भी बन सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में अपनी वाइफ को कहता है। उसकी वाइफ उसे समझाती है, कहती है अगर तुम फ्रीलांसिंग जॉब करोगे तो सही से अर्निंग नहीं होगी, हमारी फैमिली के लिए हमें एक स्टेडी इनकम चाहिए। उसे कहती है कि तुम अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते। एक दिन यंग फिर से कोचिंग के लिए जून की वाइफ के पास आए। वाइफ नॉनवेज कुक कर रही थी, इसके स्मेल से यंग इरिटेट हो गई और उसने उल्टी कर दी। वाइफ से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसे वाइफ को बहुत शॉक लगता है, उसे पहले ही जून और यंग पर शक था। रात में वो जून का पीछा करती है। जून यंग के बिल्डिंग में ही पहुंच गया। उसे फिर कन्फर्म हो जाता है कि यंग जून की वजह से ही प्रेग्नेंट है। जून यंग को समझाने के लिए गया था, उसे कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी वाइफ को मैं नहीं छोड़ सकता। यंग जून से कहती है अगर तुम्हारी वाइफ नहीं होती तो कितना अच्छा होता। नेक्स्ट डे यंग जून के वाइफ के साथ उनकी वेडिंग फोटोज देख रही थी। वाइफ से कहती है तुम्हारी ये रिंग मुझे हथकड़ियों की तरह लगती है, इन फोटो में भी जून को किसी के प्यार की जरूरत है इस तरह से वो लग रहा है। यंग ने वाइफ को ये पर्सनली कहा था। वाइफ भी चिढ़ गए, उसने कहा कि जून सिर्फ तुम्हें यूज कर रहा है, तुम दोनों के बीच एक रियल रिलेशनशिप नहीं है, वो तुम्हें यूज करेगा और उसके बाद छोड़ भी देगा। यंग कुछ बोल पाए इसके पहले उसे चक्कर आ गए। एक्चुअल में जून की वाइफ ने उसके ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे बेहोश कर दिया। उसने फिर जून की फ्रेंड को कॉल लगाया, उसे कहा कि तुम जून से बहुत प्यार करती थी, उसका और मेरा फ्यूचर ये सही हो इसीलिए मैं सब करना चाहती हूँ, उसे जून के फ्रेंड से हेल्प चाहिए। ये दोनों फिर यंग को डॉक्टर के पास लेकर आती है, उसका वो इलीगल एबॉर्शन करवाने वाली है। डॉक्टर यंग को चेक करते हैं और कहते हैं यंग प्रेग्नेंट नहीं है, वो तो कभी किसी के साथ इंटीमेट भी नहीं हुई है। ये सुनकर जून की वाइफ को शॉक लगता है, यंग सब कुछ इमेजिन कर रही थी। वाइफ फिर यंग को फिर से घर लेकर आती है। यंग को जब होश आता है तो कहती है कि मुझे बहुत बुरा सपना आया। वो अपने पेट को देखती है, उसे लगता है कि उसके इमेजिनरी बेबी का अबॉर्शन हो चुका है। वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, वो फिर वाइफ को मारने लगती है। एक दूसरे को मार ही रही थी तभी जून वहां पहुंच गया, इनकी फाइट उसने रोकी। इस फाइट की वजह से यंग की वाइफ का वाटर ब्रोक हुआ, उसे वो जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। ये डिलीवरी प्री मैच्योर थी पर बेबी की हेल्थ को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। एक्शन में हम देख सकते हैं कि जून की फ्रेंड यंग को घर छोड़ने के लिए जा रही थी। यंग उसे कहती है मुझे बहुत बुरा सपना आया था, इस सपने में तुम भी थी। यंग के पास एक कटर था, इस कटर से जून की फ्रेंड को उसने मार डाला। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में आकर वो जून का बेबी अपने साथ लेकर चली गई। जून और उसकी वाइफ को जब ये पता चला तो बहुत डिस्टर्ब हो गए, सब जगह ढूंढने लग गए। वाइफ को फिर यंग का कॉल आता है, वो कहती है कि बेबी उसके पास है और वाइफ से वो अकेले ही मिलना चाहती है। जून को बताकर वाइफ जल्दी से वहां से चली जाती है। जून भी पीछे से उसका पीछा कर रहा था। यंग अपनी बिल्डिंग की वाटर टैंक के पास थी। वाइफ आकर उससे पूछती है कि मेरा बेबी कहाँ है। यंग उसे कहती है जितना प्यार मैं जून को कर सकती हूँ उतना तुम कभी भी नहीं कर सकती है। उसे पॉइंट आउट करती है कि उनका बेबी इस वाटर टैंक में है। बेबी को ढूंढने के लिए वाइफ इस वाटर टैंक में जंप करती है। वो जब देखती है तो वाटर टैंक में एक डॉल थी। यंग बाहर से वाइफ को अंदर ही बंद कर देती है। वाइफ को ड्राउन करने के लिए उसने पानी भी स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर में जून यंग की बिल्डिंग में पहुंचा। यंग के घर में उसका बेबी उसे मिल गया। वो फिर अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए यंग के पास आया। यंग उसे समझाती है कि मैं उससे अच्छी वाइफ बन सकती हूँ। जून मानता नहीं। यंग फिर जून की वाइफ कहाँ है वो उसे बता देती है। जून जाकर अपनी वाइफ को बचा लेता है। जून ने यंग को चूज नहीं किया या वो बेयर नहीं कर पाए, अब वो सुसाइड करने वाली थी। वो टेरेस की एज पर खड़ी है ये जून ने देखा। जून उसे कहता है प्लीज नीचे उतर जाओ,
इस बारे में हम बात कर सकते हैं। यंग सुनती नहीं और जम मारती है। जून जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि जल्दी से ऊपर आ जाओ। यंग ऊपर आने का ट्राई नहीं कर रही, कहती है कि जब तुम मेरे साथ थे तुम्हारा भी दिल धड़क रहा था। उसे पूछती है कि हमारे बीच की रिलेशनशिप आखिर क्या थी। वो अब जीना नहीं चाहती। स्लोली स्लोली जून का भी हाथ सटकता जाता है। यंग नीचे गिरकर मर जाती है। जून अपनी वाइफ को कह रहा था यंग को बचाने के लिए उसकी वो हेल्प करे, पर वाइफ नहीं मानी। अब हम देखते हैं जून, उसकी वाइफ और उसका बेबी ये सब एक साथ तो रहते हैं, पर जून बहुत ही दुखी है। वो यंग को याद कर बहुत रोता है। मूवी के लास्ट सीन में हम देख सकते हैं कि हमेशा जून भी यंग को देखता रहता था। वो सिर्फ यंग ही नहीं थी जो जून से ऑब्सेस्ड थी। उसने जब यंग के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट की तो बहुत गलत किया। वो अपनी वाइफ पर चीट नहीं करना चाहता था। यंग को उसने ये सब समझाने की कोशिश की, पर तब तक देर हो चुकी थी। यंग उससे ऑब्सेस्ड थी। उसका ऑब्सेशन बढ़ता चला गया और उसका अंत बहुत बुरा हुआ। फाइनली उनकी गलती की सजा एक दूसरे को भुगतनी पड़ी। आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिए। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।